व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक पिक्चर है जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में सांप सीढ़ी का गेम, या फिर स्नेक एंड लैडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इस गेम का जो इन्वेंशन हुआ था वो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया में हुआ था। जी हाँ, ओरिजिनेट ये इंडिया से ही हुआ था। और स्टार्टिंग में जब ये ओरिजिनेट किया गया था तो यहाँ पर एक अलग तरीके से इसको देखा जाता था। मतलब क्या था, मतलब ये था कि अगर यहाँ पर सांप के द्वारा किसी को खाया जा रहा है तो वो एक तरीके से नर्क में जा रहा है, और जिसको सीढ़ियां मिल रही है वो स्वर्ग में जा रहा है। मतलब सांप के द्वारा खाया जाना वैसे भी नॉर्मली आप लोगों को गेम में भी देखने को मिलेगा, बड़ा नेगेटिव माना जाता है और आप लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, पर लेकिन सीढ़ियां यहाँ पर अच्छी होती है, आगे बढ़ाती है। इसी तरीके का यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इन्वेंट किया गया था इसको 13th सेंचुरी में, तब ज्ञानदेव जी के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। और उन्होंने कुछ ऐसा ही यहाँ पर प्रोविजन रखा था कि किस तरीके से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी एक साथ में कंबाइन करके ये गेम बनाया गया था। और एक और नाम से इसको पुकारा जाता था उस टाइम पर, मोक्ष पथ। जी हाँ, मोक्ष पथ के नाम से भी इसको पुकारा जाता था। ये भी आप लोग आगे से किसी को बोलिए आइए मोक्ष पथ खेलते हैं तो इस तरीके से भी आप लोग बोल सकते हैं। ओके, 29th ऑफ मार्च है, देख लेते हैं। नैनो मैगजीन के तहत हम लोग यहाँ पर PIB देखेंगे, योजना के आर्टिकल्स देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देखेंगे, कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स और क्वेश्चंस देखेंगे, और कल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आइए तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज और PIB की, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, आइए एक एक करके सब पर नजर डालते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हमारी डिफेंस के बारे में। आप लोगों को देखने को मिलेगा जब कुछ प्रोक्योर करने की बात आती है तो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिफेंस के जो प्रोजेक्ट, डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो सबसे ज्यादा प्रोक्योर करता है। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अगर देखा जाए डिफेंस के ऊपर, बाहर की कंट्री से खरीदने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा हम खरीदते किससे, रशिया से। दूसरे नंबर पर किससे खरीदते हैं, यूएसए से। पर लेकिन दूसरा अपोजिट भी आप लोगों को याद रखना है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेचता कौन है, यूएसए, और सब दूसरे नंबर पर कौन है, रशिया। हम तो सबसे ज्यादा रशिया से खरीदते हैं और दूसरे नंबर पर रशिया, पर लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूएसए बेचता है और दूसरे नंबर पर रशिया। तो दोनों ही तरीके से याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हम लोग आज की डेट में बोलते हैं मेक इन इंडिया चिल्लाते हैं, तो क्या मतलब रह जाता है मेक इन इंडिया का जब इतना ज्यादा हम लोग बाहर से खरीदते हैं। तो अब यहां पर बात उसी के लिए की जा रही है कि हम लोग खुद की कंट्री में फोकस करेंगे किस तरीके से हम लोग डिफेंस के जो भी यहां पर प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चर कर सके। इसी के लिए यहां पर ड्राफ्ट की गई है जो पॉलिसी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, कोई भी इक्विपमेंट हो मैक्सिमम कोशिश की जाएगी अपनी ही कंट्री में, यहां पर इसको प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से अपनी ही कंट्री में बनाया जाए। एम क्या रहेगा, आने वाले टॉप जो 5 मैन्युफैक्चर डिफेंस के जो प्लेटफॉर्म है या फिर जो भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिलकर काम करने को यहां पर देखने को मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर अपनी ही कंट्री में यहां पर एक तरीके से प्रोडक्शन करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, ये थोड़ा याद रखिएगा। वैसे पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए 1,70,000 करोड़ मिलिट्री गुड्स और सर्विस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 2025 तक, ये टारगेट है। प्रमोट किया जाएगा डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को, मतलब अगर हम लोग खुद की ही यहां पर डेवलप करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे यहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा ज्यादा, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और खासकर जब बात आती है डिफेंस की तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा अगर हम किसी बाहर की कंट्री से खरीदते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। मतलब कल को सामने वाली कंट्री ने मना कर दिया या कोई इशू बन गया उनके साथ में तो हमारी खुद की सिक्योरिटी भी यहां पर हर्ट हो सकती है, तो वो भी आप लोग देख के चलिएगा। आगे क्या है एम, आगे है लगभग यहां पर 35,000 करोड़ का मिलिट्री का जो इक्विपमेंट और सर्विसेज है उसको बाहर की कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। मतलब खुद का यहां पर बनाना भी है और जो पड़ोसी कंट्री है आसपास का जो भी हो सके, अदर जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है उनको यहां पर हम लोग बेच भी सके। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ अपने 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 ऊपर डिपेंडेंट भी रहना है, मतलब बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है तो सेल्फ रिलायंट रहना है, और इसके साथ में बाहर की जो कंट्री है उनको एक्सपोर्ट भी करना है। तो दोनों ही तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या करेगी यह पॉलिसी, जो भी पहले लाइसेंसिंग राज हुआ करता था, मतलब एक तरीके से देखने को मिलेगा कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसे रहते थे जिनको डिफेंस के यहां पर जो प्रोडक्ट बनाने हैं उनके लिए अलाउ किया जाता था, अब वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा यहां पर। और इसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाएगा जो टैक्स वगैरह है उसको कम कर। तो शानदार तरीके से यहां पर एंट्री मारने की बात चल रही है डिफेंस फील्ड में ताकि हम लोग बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंड न रहे। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, आंसर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट छोटा ऐसे भी आ सकता है। आप लोग अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे भी सिलेक्टेड लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को हिस्ट्री या फिर आर्ट कल्चर में इसका फायदा आप लोगों को मिल सकता है। बात की जा रही है प्रिंट बियनाले इंडिया 2018 के बारे में। ये एक तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, प्रिंट की फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक एग्जीबिशन टाइप की यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके तहत यहाँ पर ये बाइनली मतलब हर बाई मंथली मतलब बाई ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर 2 साल में आप लोगों को ये
ऑर्गेनाइज कराते हुए नजर आएंगे इसको, ठीक है। बियनाले होता है जिसका आप लोग देखेंगे कि एक एग्जीबिशन टाइप की, आर्ट का एग्जीबिशन आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल यहां पर जो एग्जीबिशन हो रहा है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया में, न्यू दिल्ली में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कौन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है ये थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है ललित कला अकादमी, तो इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। देखने को मिलेगा यहां पर लगभग 200 ओरिजिनल प्रिंट क्रिएट किए गए हैं इंडियन और इंटरनेशनल के द्वारा। और यहां पर जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, यूएसए देखने को मिलेगा, यूके, श्रीलंका, मतलब कई सारी कंट्री आप लोग यहां पर देख सकते हैं। टोटल जो एंट्री यहां पर हुई थी, मतलब जो टोटल पेंटिंग यहां पर आई थी वो यहां पर 988 आई थी, पर लेकिन जिनमें से यहां पर इनको चूज किया गया है ये है 127। अब 127 में से आगे यहां पर देखा जाएगा किस तरीके से किसको क्या अवार्ड दिया जाता है, जो भी यहां पर सिस्टम ये परफॉर्म करके चलेंगे। बस ये याद रखिएगा इंडिया में ये हो रहा है, और कौन कर रहा है इसको, ललित कला अकादमी। थोड़ा जान लेते हैं ललित कला अकादमी के बारे में। आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके की एनजीओ है, इसका गठन किया गया था मार्च 11, 1954 में, लगभग 64 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। हेडक्वार्टर आप लोगों का इसको रविंद्र भवन, मतलब न्यू दिल्ली में आप लोगों को नजर आएगा। और क्या है इंपॉर्टेंट यहां पर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। तो तीन पॉइंट हो गए, न्यू दिल्ली में हो रही है, ललित कला अकादमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये पिक्चर भी देख सकते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पर इसी से कनेक्टेड है। यहाँ पर ललित कला अकादमी आप लोग देखते हैं, फर्स्ट प्रिंटिंग द्विवार्षिक भारतीय 2018, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, पीएनबी में घोटाला हुआ, उसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा बैंकिंग सिस्टम आज के डेट में हमारी कंट्री का काफी खस्ते हालत में जाता हुआ नजर आता है। तो यहां पर बात की जा रही है उसको, क्या हमको बैंकिंग सिस्टम को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, तो उसी के ऊपर छोटा सा आर्टिकल है ये। बैंकिंग सिस्टम को प्राइवेटाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया के द्वारा यहां पर बात की जा रही है। वो बोलते हैं कि हमको बैंकिंग सिस्टम को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ठीक है, ओनली एसबीआई को हम लोगों को गवर्नमेंट के अंडर में रखना चाहिए, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आखिर क्या जरूरत है उसकी, तो उसके ऊपर थोड़ा इन्होंने फोकस भी डाला है। सबसे पहले यहां पर पीएनबी में और कई सारे बैंकिंग जो सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा उनको प्राइवेटाइज करने के बारे में बात बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ती हुई नजर आएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हालांकि अच्छे रहते हैं पर लेकिन गवर्नमेंट के दामाद हो जाते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इसीलिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। खासकर बात की जा रही है गांव के एरिया में, अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर साथ साथ में काम चलता रहता है, एक साइड में अपनी दुनियादारी चलती रहती है, दूसरी साइड में स्कूल में भी, मतलब स्कूल में रुकते ही नहीं है, काफी टाइम तक एब्सेंट रहते हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा बैंकिंग सिस्टम में भी अगर प्राइवेट बैंक है वो सोच समझकर अच्छे से सोच समझकर और पूरा ब्यौरा निकालकर तब किसी को लोन वगैरह देगा, पर जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, वो ऐसे ही कर देगा काम को। क्यों? क्योंकि घर से तो पैसा जा नहीं रहा है, तो इस तरीके से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। कंटिन्यूअस प्रेशर यहां पर फाइनेंस के अकाउंट पर जो बना रहता है गवर्नमेंट के वो भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट को यहां पर और भी बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलानी पड़ती है और इस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी वजह से बहुत सारी यहां पर स्कीम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो ये भी थोड़ा सही रहेगा। प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो नए नए इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी। खासकर आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में ICICI, ये बैंक देख सकते हैं कंप्लीटली आज के डेट में ये ऑनलाइन कर दिया गया सारी चीजें, तो इस तरीके से अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, नए नए ऐप आप लोगों को इनके देखने को मिलेंगे, सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा और सब कुछ सर्विस वगैरह सब प्रॉपर वे में होगी। गवर्नमेंट के कस्टमर केयर पे आप लोग फोन करेंगे तो ऐसा लगता है एहसान कर रहे हैं, ना तो उठाते हैं और उठाने के बाद में ऐसा लगता है एहसान कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वालों से बात करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या होता है। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटिशियन की जब बात आती है, आदित्य नोगी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूपी में जब इलेक्शन हुए तो योगी जी जब यहां पर चुनकर आए तो तभी उन्होंने क्या बोला, अपने उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था कि लोन माफ कर देंगे, अब उनके थोड़े ना घर से जा रहा है। ये सारा भी काफी बटन यहां पर पड़ता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, इसको कई बार बोला जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का भी काफी प्रेशर रहता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 70% इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो इसको कम करके लगभग फोकस किस पर करना चाहिए, प्राइवेटाइज पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला है इनको अभी मेंटेन रखने के लिए 2.6 लाख करोड़ यहां पर इसमें बोला था कि रिकैपिटलाइज करना है बैंकों को, बैंकों की हालत खराब हो रखी थी तो उनको और पैसे देने की बात की गई थी, पर लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, अब तो पैसा दे देंगे कल को फिर ऐसी खस्ता हालत होगी तब क्या करेंगे आप लोग, तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, रिकैपिटलाइज कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोशिश ये करनी है कि जो अनप्रोडक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको आप लोग साइड में हटा के फेंकिए, उनको प्राइवेटाइज कीजिए आप लोग, ठीक है, और बाकी का जो यहां पर सही चल रहा है कम से कम उन पर फोकस देकर आप लोगों को चलना है,
और मैक्सिमम फोकस इन्होंने बोला है अगर आप लोग एसबीआई पे ज्यादा फोकस रखे ओनली उसको गवर्नमेंट रखिए और बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दीजिए ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंसी भी बढ़ती हुई नजर आए। तो इसके ऊपर भी अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। आप लोगों से कोई डिस्कशन में या फिर इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आप लोगों के पास में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, फोकस किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में, हमारा जो कंट्री का बहुत प्यारा रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, तो उसमें फोकस किया जा रहा है। जो एक्स मिलिटेंट थे, मतलब जो ऐसे तत्व हुआ करते थे जो सोसाइटी में यहाँ पर दंगल मचाए रखते थे, उनको फिर उन्होंने बाद में चल के जो छोड़ दिया, तो उनको रियायतें देने की बात की जा रही है। सोप्स होता है रियायत देना, और तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिलेगा 1998 से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया, पहले जो इनको पैसे देते थे 3,500 पर मंथ दिया करते थे, जो पहले मतलब पहले मिलिटेंट हुआ करते थे वो छोड़ के आ चुके हैं, मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं वो, मतलब पहले जो दुनियादारी किया करते थे, कभी किसी को मार दे, कभी कुछ ऐसी हरकतें किया करते थे नक्सल टाइप की, अब ये छोड़ के मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। तो उनको पहले 3,500 रुपए पर मंथ दिया जाता था, अब उनको 6,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ में जो वन टाइम उनको ग्रांट दिया जाता था वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहले 1.5 लाख दिया जाता था, अब 4 लाख दिया जा रहा है। आखिर क्या मतलब है इसका, मतलब इसका यह है कल को इनका फिर से ईमान ने डगमगा जाए कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, और ऊपर से जो हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूटा फूटा करते थे, हो सकता है उसी से ज्यादा इनको मिल जाता हो, पर लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छी खासी 6,000 रुपए इनको पर मंथ यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी, काइंड ऑफ सैलरी आप लोग बोल सकते हैं, और 4 लाख स्टार्टिंग में इनको एक ग्रांट दिया जाएगा उस दलदल से निकलने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या रहेगी, इनको अच्छे से अगर ये सरेंडर करते हैं तो रिहैबिलिटेट भी किया जाएगा, रहने के लिए भी कुछ इनका जुगाड़ किया जाएगा। ठीक है, मिसगाइडेड जो यूथ होते हैं और कई हार्डकोर जो मिलिटेंट होते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो कई बार ऐसा लगता है मतलब उनको ये फील कराने की कोशिश की जा रही है कि आप एक जाल में फंस चुके हैं, वहां से निकल के आइए, इससे ज्यादा बेटर तो लाइफ आप लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा। ओके, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कम अट्रैक्टिव लगे, जिस तरीके से है नहीं आप लोगों ने सुना होगा आईएसआईएसवाई वाला फंडा, वहां पर लोग क्यों जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं वहां पर, कई तरह का वहां पर थ्रिल मिलती है वहां पर जाने के लिए। तो इस तरीके से कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग कंट्री से लोग वहां पर जाते हैं, तो इस तरीके यहां पर एक एनवायरमेंट ना बने, तो कहीं ना कहीं इसको और कम करने के लिए बात की जा रही है। ओके, तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी ये यहां पर पेड करेगी स्टेट को, और स्टेट के जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उस स्कीम के तहत यहां पर इनको पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा, मतलब मिनिस्ट्री से स्टेट और स्टेट से फिर जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या इसकी जरूरत है, जी हाँ बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए, अगर हम लोग बात करते हैं ये वाला हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं म्यांमार या थाईलैंड या फिर वियतनाम या मतलब बोल सके कि अगर आप लोग इस वाले एरिया से जिसको आसियान वाला एरिया जो हम लोग बोलते हैं इसके साथ में अच्छा रिलेशन बनाने चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इस वाले जोन में एक शांति बनी रहनी चाहिए, तो इसके लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आता है ये वाला एरिया। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा इसको देख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बात क्या की जा रही है, आगे यही बात की जा रही है, अगर इस वाले एरिया में शांति रहेगी तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे, और उसके साथ में आसियान या फिर इन कंट्री के साथ में भी रिलेशन हमारे अच्छे रहेंगे, और हमारी एक्टिस्ट पॉलिसी जो है जिसको पहले लुकिस्ट पॉलिसी बोला जाता था अब एक्टिस्ट पॉलिसी हो चुकी है, उसको भी हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर न्यू व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, आखिर ये है क्या, आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे बहुत सारे व्हीकल पुराने धुराने हो जाते हैं तो किस तरीके से उनको यहाँ पर टैकल किया जाता है उसके बारे में फोकस किया जा रहा है, और मार्केट से उनको हटाया किस तरीके से जाता है अगर वो उनकी जो कहते हैं कि टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, एक खटारा गाड़ी को लिए घूम रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलाती है, नॉइस पॉल्यूशन कर रही है, तो किस तरीके से उसको मार्केट से हटाना है, इसी के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी न्यू व्हीकल स्क्रैप पेज पॉलिसी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आखिर है क्या है? ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा यहां पर अभी अप्रूव किया गया है, और यहां पर अभी वेट कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब व्हीकल की बात आती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक स्टेट में अलग अलग यहां पर आप लोगों को व्हीकल नजर आएंगे, तो सभी स्टेट को साथ में लेकर चलकर तभी इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और स्टेट हम लोग जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल में जब बात करते हैं तो स्टेट को बहुत ज्यादा पावर दे रखी है, तो जीएसटी काउंसिल से अप्रूव होने के बाद में इस पॉलिसी को आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा। टारगेट क्या है, एक तो पॉल्यूशन कम करना, ठीक है ना, पोल्यूटिंग व्हीकल होते हैं उनको आउट करना रोड से, और इसके साथ में ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें हायर सेल बढ़ाना, मतलब पुराने व्हीकल हटेंगे तो सेल यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। ओके, इसके साथ में पॉलिसी में मेंशन किया गया है कि 20 साल से जो पुराने ओल्डर जो व्हीकल हो चुके हैं उनको भी यहां से हटाया जाएगा। ठीक है,
पहले भी आप लोग देख सकते हैं 10 साल की बात की जा रही थी, अब इसको 20 साल के लिए 20 साल की बात बोली जा रही है। स्कीम में क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, 1 अप्रैल से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है 2020 से, मतलब अभी टाइम है, ठीक है। उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग BS जो भारत स्टैंडर्ड, ये 6 यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। 4 चल रहा है, 4 इंप्लीमेंट किया गया था, 5 को हम लोगों ने बोला इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट 6 पर जंप करने वाले हैं। आखिर होता क्या है, ये काम करता है किस तरीके से हम लोग व्हीकल इस तरीके के रखें ताकि वो एनवायरमेंट पे इंपैक्ट ना डाले नेगेटिवली, किस तरीके से पॉजिटिवली इंपैक्ट हम लोग एनवायरमेंट पे डालें और उनकी हालत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। खासकर यूरोपियन कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता है, खासकर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि कब इसको इंप्लीमेंट करना है सॉरी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अप्रैल 1 2020 तक यहां पर इंप्लीमेंट करना है, और खासकर BS यही स्टैंडर्ड आप लोग 6 ये भी याद रखेगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि 20 साल से जो पुराने यहां पर ओल्डर व्हीकल देखेंगे उनको यहां पर हटाने की बात की जा रही है, ठीक है। टारगेट क्या है कि किस तरीके से पॉल्यूशन कम करना है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यहां पर जो सेल है वो बढ़ानी है। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, पर लेकिन इंप्लीमेंट करने की जब बात आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि जैसे स्क्रैप पॉलिसी के तहत यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि अगर पुराना व्हीकल बेचता है इंसान तो 15% लगभग उसको देखने को मिलेगा कि उसको इतना छूट दिया जाएगा नए व्हीकल खरीदने के लिए। पर लेकिन अगर जब यहां पर भारत स्टैंडर्ड यहां पर 4 और 6 इंप्लीमेंट कर देंगे तो यहां पर यह माना जा रहा है कि व्हीकल का प्राइस ऑलरेडी यहां पर 15 से 20% बढ़ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एक तो ये बात बोली जा रही है। इसके अलावा बात यह बोली जा रही है हमारे यहां पर बहुत से ऐसे इंसान होते हैं लाइफ में एक ही व्हीकल खरीद पाते हैं, इतने यहां पर अमीर नहीं है कि बार बार व्हीकल खरीदते फिरेंगे, एक बार खरीद पाते हैं अगर उस टाइम पर यह प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ेगी तो आगे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। वो सोचेंगे जो पैसा बचा है थोड़ा बहुत उसका कोई और यूटिलाइज कर लेते हैं, तो यहां पर जो बोला जा रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ती नजर आएगी तो उस पर भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, तो कुछ ऐसे यहां पर क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को इसके देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही चीजें आप लोगों के सामने हैं यहां पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही शानदार ऑर्डर है यहाँ पर, खाप पंचायत वगैरह जो इंटरफेयर करा करती थी यहाँ पर मैरिज में शादी में, तो उसको मना कर दिया गया आगे से ये यहाँ पर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो इलीगल इसको माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है आज की डेट में जो बात की जा रही थी आधार कार्ड से कनेक्ट करने के लिए पैन कार्ड को, तो उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अगर किसी ने आसपास में कोई इंसान रहता है इसने कनेक्ट नहीं किया है तो उसको आप लोग ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि इसको कनेक्ट कर सके, ओके। नेक्स्ट आप लोगों को जाकर रिवीजन करना है यहाँ पर पॉलिटिका बूथ कैप्चरिंग क्या होती है, लोवरिंग ऑफ वोटेज ईपी की है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ईवीएम क्या है, ये सारी चीजों के बारे में टोटल डिटेल में डिस्कस किया गया है इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के बारे में। लेक्चर का लिंक यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप जाकर इसको रिवाइज कर सकते हैं। योजना के तहत अपना आर्टिकल देख लेते हैं, उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। डिस्कस करना है फीचर्स क्या है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड द डेवलपमेंट एक्ट 2016 में जो आया था उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को फोकस देना है, और एक इसके साथ में आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को आर्टिकल से ही निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रियल इस्टेट के बारे में जिक्र किया जा रहा है इसी एक्ट की, मतलब कौन से यहां पर इनकरेक्ट है, ढंग से पढ़िएगा, इनकरेक्ट की बात की जा रही है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा इसके बाद में आंसर दीजिएगा, एक बार फिर दिखा दूंगा, पहले आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। रियल इस्टेट का मतलब क्या होता है, इस तरीके से बिल्डिंग जो बनाई जाती है, आप लोग देखते हैं कि अपना कोई भी आप लोग अपार्टमेंट खरीदते हैं, कोई क्वार्टर वगैरह आप लोग खरीदते हैं कि हाँ मुझे रहना है, पैसे पहले दे देते हैं पर लेकिन कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या तो उसको पोस्टपोन करते रहते हैं बनाने वाले, या फिर उसका प्राइस इंक्रीज करते रहते हैं, पोस्टपोन कर करके ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ये बिल निकल कर आया जिससे कि लगाम कसी जा सके यहाँ पर इन लोगों के ऊपर जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके अच्छे से और प्रमोट किया जा सके, खासकर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, कोई देखने वाला नहीं हुआ करता था पर लेकिन अब देखने वाला हुआ करेगा उनको ढंग से। ये पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा एक्सेप्ट, कहां पर नहीं किया जाएगा, यहां पर जम्मू और कश्मीर में यहां पर नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन भी यहीं से देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट दे देंगे आप लोगों को नॉर्मली इस तरीके की, हाँ पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा, आप लोग क्या करते हैं आंसर लगा देते हैं हाँ सही है, पर लेकिन जम्मू और कश्मीर यहाँ पर एक्सेप्शन आप लोगों को नजर आएगा, तो थोड़ा सा इस पर नजर रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्या बात की जा रही है, देखिए अगर बात करें यहाँ पर अच्छे से हमारा ये सेक्टर काम अच्छे से करता है तो इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, कैपिटल अट्रैक्ट करता है काफी अच्छे से, और रिवेन्यू जनरेशन भी काफी होता है, खासकर बात की जाए गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलता है। साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा 9.5% यहाँ पर जो इंडियन GDP में कंट्रीब्यूट करता है काफी शानदार तरीके से। एग्रीकल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा 4 से 5 मैक्सिमम 6 तक कई बार बात होती है, वो तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, वरना 4-5 पर ही अटका रहता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर कितना ज्यादा यहाँ पर GDP में पे कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जो बायर होते हैं
उनको बचाया जा सकता है जो बेश्रम यहाँ पर डेवलपर होते हैं, मतलब जो ऐसे डेवलपर होते हैं जो पैसा तो ले लेते हैं पर लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो उसी के लिए बात की जा रही है यहाँ पर रीरा के तहत। देखने को मिलेगा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर रियल इस्टेट सेक्टर में, और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है उसको लगेगा कि हाँ मैं अपना पैसा वापसी मिल जाएगा, मुझे कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, स्टेट की जो रियल इस्टेट जो अथॉरिटी यहाँ पर बोला गया है कि हर एक स्टेट में ये अथॉरिटी बनाई जाएगी ताकि ग्रीवेंसी सुन सके और रिड्रेसल कर सके उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है अगर कोई उनको अप्रोच करता है तो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर अगर कोई भी इस तरीके से देखने को मिलेगा आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाने की बात की गई थी। आगे रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर ये लगाएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इनको पहले ही, और लगभग 70% जो कॉस्ट यहाँ पर इन्होंने ले रखी है उसको अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा और उसको उसी के लिए यहाँ पर कॉस्ट को लगाना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है, देखिए नॉर्मली होता क्या है, मान लीजिए कहीं पर इनको घर बनाने हैं, ठीक है, घर बनाने के लिए लोगों से पैसे ले लेते हैं ये, तो यहाँ पर पैसे लेकर उसको घर को बनाना स्टार्ट करते हैं, पर लेकिन यहाँ से जो पैसा आता है उसको क्या करते हैं, कहीं और जाकर जमीन खरीद लेते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट कहीं और जाकर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पर ये लटका रहता है, उधर वो लगा देते हैं, फिर यहाँ पर किससे पैसे ले लेते हैं, फिर दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, अब तक पहले वाला चला नहीं, आगे तीसरा भी स्टार्ट हो गया, तो ऐसी हरकतें की जाती है मैक्सिमम टाइम, तो इसको रोकने के लिए आप लोगों के सामने ये प्रोविजन यहाँ पर नजर आता है। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल, थोड़ा याद रखिएगा इसके बारे में, आप लोगों को थोड़ा पता जानने को मिला। अब क्वेश्चन पढ़िए, बात की जा रही है कि रेगुलेट करता है बोथ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एस्टेट, जी हाँ बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। दूसरी बात की जा रही है यहाँ पर मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना डिटेल ऑल द रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, जी हाँ जितने प्रोजेक्ट होंगे सबका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बात क्या की जा रही है, ये कवर करता है वेयर द लैंड ओवर 500 स्क्वायर मीटर इंक्लूड या 8 अपार्टमेंट, मतलब या तो 8 अपार्टमेंट हो या फिर 500 स्क्वायर मीटर हो तो ये इसके अंदर इंक्लूड करता है प्रोजेक्ट को, बिल्कुल सही बात बोली गई है। एक्सटेंड टू होल इंडिया, क्या पूरी इंडिया में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं, जम्मू और कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, डी आंसर हो गया जो कि है यहाँ पर इनकरेक्ट। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिनका आप लोगों को आंसर देना है, 2018 का एबिल प्राइज जिसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है किसको दिया गया, कौन सी कंट्री का था, पर्सन का नाम भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग ऑन ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, फर्स्ट एवर जो अभी हुई थी किस सिटी में हुई थी। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है यहाँ पर जैक फ्रूट को ऑफिशियल फ्रूट, डिटेल में डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के सामने, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बात की जा रही है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड ऑन व्हील, तो इसका आंसर था आंध्र प्रदेश, डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर न्यू ईयर जो बोला था हम लोगों ने 2018 का, उसको डिक्लेयर किया गया यहाँ पर मिलेट्स, मतलब मिलेट्स का न्यू ईयर हम लोगों ने इसको देखा था, 2018 को डिक्लेयर किया गया है, डिटेल में आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद भी आ रहा होगा। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि यूथ एम्प्लॉयमेंट डे के रूप में कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है, पंजाब ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनते हैं इस तरीके क्वेश्चन, कई बार पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा फोकस दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था आज का लेक्चर, पहले हम लोगों ने यहाँ पर सांप सीढ़ी के बारे में जाना, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हाँ हमारी कंट्री में ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ड्राफ्ट की गई है पॉलिसी डिफेंस के लिए, प्रोक्योरमेंट को बंद करने के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला न्यू व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने जाना, ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिला प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है पब्लिक सेक्टर बैंक को, पर लेकिन यहाँ पर उसके सामने कई सारी बातें बोली जा रही है कि क्या क्या यहाँ पर चीजें हो सकती हैं, तो डिटेल में हम लोगों ने आर्टिकल देखा। नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट होते हैं उनको और अच्छे से यहाँ पर रियायतें दी गई हैं, उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाई गई है, किसके द्वारा, एमएचए के द्वारा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल हम लोगों ने देखा, ये था यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्रिंट मीडिया के बारे में, मतलब आप लोगों को देखने को मिला एग्जीबिशन के बारे में प्रिंट से रिलेटेड, किसके द्वारा होता है ये, ललित कला अकादमी के द्वारा, पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, ये हम लोगों ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर खाप पंचायत को साइड में कर दिया, बोला कोई इंटरफेयर नहीं करेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला ये जो अंतिम तिथि है यहाँ पर आधार कार्ड से कनेक्ट करने की, ये भी बढ़ा दी गई है, तो ये कुछ बातें हैं इंटरेस्टिंग जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या करना था, आप लोगों को जाकर रिवीजन करना है, ये है आप लोगों का रिवीजन जो कि आप लोग पॉलिटिकल रिवीजन साथ में चल रहा है। इसके साथ में हम लोगों ने फिर योजना देखी और योजना में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये हम लोगों ने देखा रेगुलेशन ऑफ रियल इस्टेट सेक्टर के बारे में, टोटल डिटेल में जाना। ठीक है, कुछ बातें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के सामने है। लगभग 70% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग से, 70% मनी जो भी इनको मिलेगी उसको सेपरेट अकाउंट में रखना है और उसको प्रोजेक्ट की कॉस्ट के लिए ही यूज करना है, इधर उधर उसको नहीं लगाना है। ठीक है, ये नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन भी देखा, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। बाकी ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे और ये हैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स। देखिए आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट साथ में उठा करते थे पर लेकिन अब मॉर्निंग में काफी कम हो गए हैं। इसी तरीके से तो होता है लाइफ में, हम लोग स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा मतलब जोश में रहते हैं, चीजें करते हैं स्टार्ट, फिर साथ साथ आराम आराम से हम लोग डाउन होते चले जाते हैं। आप लोगों को अपने आप को मेंटेन रखना है और कंटिन्यू रखना है अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ऐसे नहीं चलेगा कि जरा से देर काम किया और फिर बैठ गए, ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। ओके, तो जिन्होंने भी मॉर्निंग के लिए टाइम टेबल बनाया था वो अपना कंटिन्यू रखिए और बिल्कुल भी आप लोगों को हार नहीं माननी है। इसके अलावा देखिए लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज के लिए। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, जो प्लास्टिक वगैरह होती है, पॉलिथीन वगैरह होती है, उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।